एक सर रिस्क प्रीमियम एक बार दोबारा से सर प्लीज बता हाँ दीजिए। बता देते हैं, कोई बात नहीं। तो सीजीटीएम एसी में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या गारंटी फी देनी है और किस लेवल तक हमारा क्लेम सेटल होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फिर ये सवाल उठता है कि भाई ये जो है वो कब देना है, टर्म लोन का केस है तो गारंटी फी प्रतिवर्ष एवरी ईयर जो 31 दिसंबर की आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर आपको गारंटी फी देनी है, जिस रेट से हम लोगों ने अभी देखा है 1% मे बी 1.5% या 1.35%, अलग अलग जो है कैटेगरी में अलग अलग है। रिटेल ट्रेड है देन 2%, लेकिन उसके साथ क्या था, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम होता है जो आपको सीजीटीएमएसी एडवाइस करेगी, एंड इसका मतलब ये हुआ कि वो ये देखते हैं एनपीए टू क्लेम, क्लेम टू फी रेशियो क्या है, कितना आपने गारंटी फी दिया है पे किया है और कितना आपने क्लेम किया है, बैंक वाइज देखते हैं। अगर कोई भी जो है बैंक जहां पर ज्यादा क्लेम लिया जाता है प्रोपोर्शन में, परसेंटेज के टर्म्स में है, अमाउंट के टर्म्स नहीं, किसी बैंक से 100 रुपये का प्रीमियम इकट्ठा हुआ ठीक है और दो और 80 रुपया क्लेम उसमें हो गया, 80% हो गया ना प्रीमियम टू क्लेम रेशियो। तो एक उन्होंने एक मानक बनाया हुआ है और उस मानक से ऊपर अगर किसी का है तो वो एडिशनल फीस चार्ज करते हैं। जैसे हम लोग लोन में अगर किसी की रेटिंग पुअर है तो उसे एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अगर किसी का क्लेम रेशियो ज़्यादा है कंपेयर टू गारंटी फी पेड तो फिर वो जो है उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम लोड करते हैं, दैट में भी 0.25%, 0.0%, 0.25% है ना, 0.1%, वो उनको डिसाइड है, वो हर साल बैंक को बता देते हैं। आपका एक तो ये हो गया, तो एनपीए क्या है उसके हिसाब से है, अगर एनपीए आपका बहुत ज़्यादा है तो उस पर भी रिस्क प्रीमियम डालते हैं वो, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उनसे क्लेम करोगे तो फिर वो गारंटी फी अपना बढ़ा देते हैं, तो दिस इज नोन एज रिस्क प्रीमियम। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना रिस्क प्रीमियम कि नहीं क्लियर हो यस सर, गया? यस सर, थैंक यू सर। वो रिस्क को कवर करते हैं अपने, जैसे हम लोग लोन में रिस्क कवर करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं जो रिस्की अकाउंट्स है उसमें ब्याज ज़्यादा लगाते हैं, वो भी यही करते हैं। मानक जरूर 1% है लेकिन फिर वो रिस्क प्रीमियम डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बैंक वाइज, और हर साल बैंक को एडवाइस करते हैं कि आपको इतना रिस्क प्रीमियम गारंटी फी के साथ और पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं कि क्लेम इनोकेशन सीजीटीएमएससी में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनपीए हो जाने के कितने दिन के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। ओके, एनपीए अगर हो गया तो कितने दिन के अंदर आप क्लेम करोगे, विद इन 3 ईयर्स। पहले तो 1 क्वार्टर का टाइम दे रहे थे, उसमें बैंकों ने जो है बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारे बैंक जो है रिपोर्ट नहीं कर पाते थे बहुत। नाउ दे हैव ईज्ड इट, अब आसान कर दिया थोड़ा, इन्होंने कहा 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनपीए। ठीक है, और अगर लॉक इन पीरियड में ही एनपीए हो जाता है, मान लीजिए कि एनपीए लॉक इन पीरियड में हो गया, 3 ही क्वार्टर, 2 ही क्वार्टर का तो है ना, 3 90 डेज का तो है ना, ना 3 महीने में, 3 महीने में पैसा नहीं आया तो एनपी हो जाए, लेकिन पीरियड 18 महीने का। तो कई बार ऐसा होता है कि शुरू शुरू में ही अकाउंट क्विक मॉर्टेलिटी का शिकार हो जाता है और लेकिन पीरियड में ही एनपी हो जाए। तो इन्होंने कहा कि जिस तारीख से एनपीए हो उस तारीख से 3 साल, इस समझना इसको, और अगर लॉक इन पीरियड में एनपीए हो गया है कोई अकाउंट, तो जब उसका लॉक इन पीरियड जिस तारीख को ख़त्म हो रहा है उस तारीख से 3 साल के अंदर आपको सीजीटीएसएमई में क्लेम लॉज कर देना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, कितने दिन में क्लेम लॉज करना है, दिस व्हाट आई वांटेड टू से। एनपीए होने के 3 साल के अंदर कर देना है,
और अगर लॉक इन पीरियड में ईएनपीए हो गया है तो जब लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 3 साल के अंदर जो है उस तारीख से 3 साल के अंदर क्लेम लॉन्च कर देंगे। काफ़ी टाइम सर लॉक इन पीरियड फिक्स होता है क्या? हर लोन में फिक्स होता है ना, आप मोरेटोरियम पीरियड देते हो ना, लॉक इन पीरियड मीन्स मोरेटोरियम पीरियड। अच्छा ओके सर। ग्रेस पीरियड और मोरेटोरियम पीरियड वही लॉक इन पीरियड। ठीक है, अब इसमें इन्होंने सीजीटीएसएमई में कहा है कि मैक्सिमम 18 महीने लॉक इन पीरियड होगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट डिसबर्समेंट लॉक इन पीरियड 18 महीने का होगा। इन्होंने इसको स्कीम में स्पेसिफाइड किया है कि 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट डिसबर्समेंट और 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गारंटी फी विच एवर इज लेटर। इसमें एक प्रोसेस होता है, एक नंबर सी डैन नंबर और क्या क्या आता है इसमें, तो उससे ये जो है सेटल करते हैं। सी जी पैन नंबर आता है सर? हाँ सी जी टैन आता है ना, सी जी पैन तो वहाँ से जो है जिस दिन आपने गारंटी फी पे किया है उस तारीख को, अगर वो जो है 18 महीने लास्ट डिसबर्समेंट से 18 महीने के बाद की तारीख है वो, तो फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा 18 महीने। लेकिन अगर डिसबर्समेंट के 18 महीने के अंदर उसको किया तो फिर डिसबर्समेंट की लास्ट डेट ऑफ डिसबर्समेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट की जो डिसबर्समेंट है उससे 18 महीने के बाद तक 18 महीने तक जो है लॉक इन पीरियड होगा। ठीक है, ये सब सी जी डैन है, क्रेडिट गारंटी डिमांड एडवाइस नोट, ये एडवाइस करते हैं। तो गारंटी फी का टाइम हो गया 30 दिन के अंदर, मेरे ख्याल से यही सब है और दिस इज द जिस्ट ऑफ सीजीटीएसएमई। तो फ्रेंड सीजीटीएसएमई हम लोगों ने एसएमई को कवर किया, कुछ लोगों ने कहा था कि रिकॉर्ड बना के रखना, आफ्टरनून की रिकॉर्डिंग जो हमने नहीं की है क्योंकि आफ्टरनून में एनपीए वगैरह था तो अननेसेसरली रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी है जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको। अब आप हिम्मत कर लीजिए तो हम लोग जो है शुरुआत कर देंगे, मार्केटिंग का एक चैप्टर छोटा सा है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मार्केटिंग आपका जो है सर बस करिए आज थक गए फोन का डाउन हो जाएगा अच्छा तो ठीक है तो डाटा भी खत्म हो गया। हाँ कोई बात तो फुल डे माइंड लोड। हाँ कोई बात नहीं, कल हम लोग जो है शुरुआत करेंगे, एक एक चैप्टर मार्केटिंग का लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, दिन भर साथ रहे आप लोग और डिस्टरबेंस को एंड्योर भी किया। सो वी विल मीट टुमारो 7:30 बजे हम लोग कल से प्रोग्राम शुरू कर देंगे। ठीक है, और आज मैं आपके एक्सरसाइजेस भी नहीं करवा रहा हूँ, सभी लोग थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड नाइट।